अब हमारा चाहता है 11 घरा है, देखो 11 घरा को पीट लगे कहाँ जाना है, गरीबा है। हमारा घर है यहाँ से कहाँ जाने का, अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे सब ले पाए कहाँ जाने का, पर लेकिन अब कहाँ जाने का, हमें सब चाहिए ले दो मेरे के घर में ले जाकर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, इत्याद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। इंसान की हमेशा एक ख्वाहिश होती है कि किसी तरह अपने सर पे छत हो, और इसी के जद्दोजहद में खून पसीना एक कर कुछ जमीन का हिस्सा वो खरीद लेता है। अक्सर लोग कहते हैं कि 100 रुपए के बॉन्ड पर जमीन खरीदने वालों का यही अंजाम होता है, पर क्या आज जिस तरह जमीन की कीमत आसमान को छू रही है, कोई गरीब मजदूर दिहाड़ी कामगार मामूली मुलाजिम जो सुबह से शाम तक सड़क के किनारे सब्जी बेचकर किसी फ्रूट या रोजमर्रा की चीजों को बेचकर लाखों की जमीन और बंगला बना सकता है? यकीनन नहीं। और फिर किराएदार की क्या कैफियत रहती है, कैसे महीना गुजरता है, और कम से कम बेलगाम जैसे शहर में 5,000 किराया देखते देखते अदा करना पड़ता है। लिहाजा कारपोरेशन की जानिब से एनक्रोचमेंट के नाम पर जिस तरह से मुहिम चलाया जा रहा है, यकीनन कानूनी एतबार से बहुत कुछ सही हो सकता है, लेकिन किसी इंसान के छत पर अचानक बुलडोजर चलाने के बाद उसे बेसहारा आसमान के नीचे जिंदगी बसर करने पर छोड़ देना कहां तक सही हो सकता है? जहां एक तरफ 40% कमीशन की हुकूमतों का जिक्र हो रहा है, वहीं दो वक्त की रोटी कमाना किस हद तक मुश्किल होता है उस मजदूर से पूछा जाए। खैर, आज कारपोरेशन की जानिब से गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर मकानात को गिराने के अमल को इंतजामिया के जेर निगरानी अंजाम दिया जा रहा है। अगर खास कर जिक्र किया जाए तो रामतीर्थ नगर पहला क्रॉस, वैसे तो गोवा बेस में भी एक मामला पेश आया है, लेकिन रामतीर्थ नगर पहला क्रॉस में 10 से ज्यादा मकानात को गिराने का इशारा बूढ़ा की जानिब से दिया गया। हम ये नहीं कहते कि गैर कानूनी कब्जे को सही ठहरा जाए, लेकिन अगर मजदूर पेशा लोग जहां अरसे से रह रहे हैं वहां अचानक बुलडोजर के साथ पहुंचकर आज ही आपको मकानात को खाली करना है कहना, क्या वाकई इंसानियत के जुमरे में आता है? हमने रामतीर्थ नगर की आवाम से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि पिछले 30-35 साल से यहाँ रिहायश पजीर हैं, पानी की बिल लाइट की बिल यहाँ तक पासपोर्ट राशन कार्ड आधार कार्ड भी इसी जगह पर बना हुआ है। आज अचानक बुलडोजर के साथ बूढ़ा अफसरान आते हैं और मकानों को खाली करने की बात कहते हैं, तो अब हम कहाँ जाए? आखिर बूढ़ों बच्चों खवातीनों के साथ कहाँ जाए? ऐसा सवाल यहाँ की आवाम कर रही है। अगर गैर कानूनी जगह पर कब्जा किया हुआ है तो आखिर बूढ़ा अब तक क्यों खामोश थी? कैसे पहले इन मकानात पर इनकी नजर नहीं गई? इत्तला के मुताबिक अभी रामतीर्थ नगर बसा भी नहीं था तब से यहाँ मकानात बांधे हैं, उस जगह पर वो मौजूद भी, लिहाजा किसी तरह हमें मुआवजा दिया जाए, वरना हमारे पास सिवाय सड़कों पर जिंदगी गुजारने के कोई रास्ता नहीं, ऐसा भी कहा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। बूढ़ा की जानिब से गैर कानूनी इनक्रोचमेंट के मद्देनज़र कई सारे मकानात को गिराने की कार्रवाई जारी है, लिहाजा यहाँ रामतीर्थ नगर पहले क्रॉस में भी कई सारे मकानात हैं और 30 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजरा वो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, लेकिन वो यहाँ पर वो फिर से ये बुलडोज़र लेकर जेसीबी के साथ मकानात को गिराने की ढहाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ साथ पर मौजूद हैं सर। जो ये इस तरह से जो ढहाने का मामला चल रहा है इस पर आप 30 साल से तो हैं, आपकी क्या मांग है और क्या आप बता?
जी हम लोग यहाँ करीब 30 ईयर्स से तो ऑलरेडी है हम लोग यहाँ पे, और पूरा घर जो है यहाँ पे जितने भी 10-12 घरें हैं ये कंप्लीट पुख्ता घरें हैं एक्चुअली, और बहुत सालों से यहाँ पे रहवासी हैं। यहाँ पे एक घर भी नहीं था जब हम लोग यहाँ पे आके रुके हैं। तो अभी क्या है, ये कुछ दिनों से जो बूढ़ा वाले जो इसके ऊपर मतलब उनके साइड जो कोर्ट में केस गया है और उनके ऊपर जो है हमारे ऊपर जो ये प्रेशर बिल्टअप है, ये तलवार हमेशा लटकी हुई है कि आप घर खाली करो वरना हम लोग आपको निकाल देंगे, और जैसा है वैसे हम लोग घर तोड़ के मतलब आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो पिछले 8-10 दिन से ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है हम लोगों को, ना जॉब पे जाने के लिए ये हो रहा है ना कुछ कर सकते हैं हम लोग, ये सिर्फ इसी के पीछे हम लोग, हमारी रिक्वेस्ट इतना ही है ये घर अगर उनके साइड गया हमको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। जैसे कि अभी इमीडिएटली अगर जाओ बोले तो हम लोग नहीं जा सकते हैं, हमारा कोई अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए। और सब जो है यहाँ पे आप जैसे देखेंगे पूरे कमा के खाने वाले हैं, ऐसा कोई हाई बिल्टअप वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, जो डेली जाते हैं रोज़ी रोटी लाते हैं, किसी के पेंशन पे घर चल रहा है, कोई जॉब पे जाते हैं छोटे मोटे गैरेज में वगैरह है, उस हिसाब से हमारा यहाँ पे गुजारा हो रहा है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा सा जगह वगैरह का कुछ इंतज़ाम करके दें, वक्त भी दिया जाए, थोड़ा सा वक्त हम लोगों को एक्सपांशन के लिए दिया जाए, हम लोगों को जाके सेटल होने के लिए दिया जाए, और इसके बदले में ये तो हम लोग छोड़ना है तो हम लोग छोड़ेंगे, लेकिन इसके बदले में हम लोगों को कुछ अरेंजमेंट, जैसे कि कोई प्लॉट वगैरह कुछ अगर कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है सरकार की तरफ से या बुढ़ा की तरफ से, दैट वुड रियली हेल्प अस। आपने कहा कि 30 साल हुए कि आप यहाँ पर रिहाइश पसीर हैं, आपको कभी नोटिस वगैरह दी नहीं गई? नहीं, हमको कोई नोटिस आज तक कुछ नहीं आई है, हम लोगों को सिर्फ ओरल धमकियाँ आती हैं कि आप ये घर खाली करो, ये ऑलरेडी अलॉट हो चुका है और हम लोग यहाँ पे आपको रहने के लिए नहीं देंगे। और आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 2 घर ऑलरेडी थे जिसको बुलडोज़र लेके आके गिरा चुके हैं, अभी बताया जाता है कि ये सब घरें निकालना है, अभी हटाना है इसको, और कल हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि कमिश्नर से भी, बूढ़ा के कमिश्नर से भी, उनके चेयरमैन से भी अगर जाके मिलें तो शायद कुछ बात बने, अभी देख रहे हैं हम लोग 2 दिन से पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो है नहीं जगह पे, आउट ऑफ स्टेशन है। यहाँ अगर अतराफ़ में देखेंगे तो कई सारे मजदूर पेशा या गरीब पेशा लोग यहाँ पर रहते हैं जिनके मकानों को ढहाने की कार्रवाई कॉरपोरेशन की जानिब से, बूढ़ा की जानिब से की जा रही है। यहाँ पर वजीफ़ याफ्ता आर्मी मैन जनाब अब्दुलरहमान साहब भी मौजूद हैं, वो माजूर हैं, वो चल भी नहीं सकते, लेकिन इनके भी मकान को निशाना बनाया जा रहा है, आप क्या बताएंगे? होते अबे हमारे को कोई ना कोई बंदोबस्त करना चाहिए, और अचानक आके बुलडोजर लगाने से हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, हमारे को जाने का रास्ता चाहिए ना। अभी मैं ऐसा माजूर हूँ, मैं देश की सेवा किया 20-25 साल सर्विस सेवा करके आया देश की, आँख में तेल डाल के बॉर्डर पर रक्षा किया, लेकिन हमारे को भी कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए ना। मैं एक भारत का जवान हूँ, मेरे को पैरलेस हो गया है, मेरे को पैदल चलने के लिए नहीं आता ढंग से, अरे अचानक आके निकलो बोलने से कहाँ जाऊँगा मैं, बताओ। यहाँ पीछे देख सकते हैं कि किस तरह के मकानात हैं, और पिछले 30 साल से ये यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, और उनका ये कहना है कि ठीक है अगर आप मकान खाली करने के लिए कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसके लिए मुआवजा दिया जाए या तो फिर दूसरी जगह पर कोई रहने के लिए जगह फराहम की जाए, वो मकान छोड़ने के लिए भी तैयार है। 30 साल से रहने के बाद अब जाकर मकानात को खाली करने के बाद इनके लिए छत का बड़ा मसला है कि वो कहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप पीछे, बोड़ा के घर में हमें 30 बरस हुआ रोको, हमारा मालूम न था हमें बोड़े ये बोर्ड पर ले सो है क्या, ये तो गांधीनगर उज्जवल नगर ये सब ओस पोच है, अब हमारा चाहता है 11 घर है, देखो 11 घर को पीट लगे, कहाँ जाने वाले गरीबा है, हमारे कुछ मर्दा नहीं कुछ नहीं, हमें रात को खा रहे हैं, क्या भी हंडिया धोखो क्या भी करको खाने वाले हमें, हमने जाओ का तो कहाँ जाने वाले, हाँ ये तो मोदी इन्हों कहते हैं इतने लोगों को घर देते हैं मोदी जी, क्या 10-10 लाख 20 लाख हमारे 11 घर काट ले रहे, तो हमें क्या करने वाले, कहाँ जाने वाले गरीब लोग का, हाँ क्या अभी हमें मोजा भरो का तो भर को हमें रहते ही हमारे घर हम ना दे। 30-35 साल हुआ जगह घर ले को, अभी निकलो बोले तो कैसा निकलने वाले, निकलने नहीं होता एकदम ही, एक रात में निकलो बोले तो कैसा खाली करने वाले, कहाँ जाने वाले, कुछ तो भी होना नहीं, हम ना एकदम गए अभी कहाँ, हमें तंबू भी बन नहीं सकते, कौन ढकले भी नहीं सकते, किसके घर बड़े है इतना सब रख लेने के वास्ते, सामान नहीं रख सकते, हमें हमारा घर है हम ना कुछ भी मुआवजा लियो,
क्या भी मैं ये ले उसका फीस कितनी है, हमारे घर हमारे को दो। हमारा तो चाहे थे आज सुबह को आपको बोल गए कि हमें तकलीफ हो रही है अभी जरा हेरमेट आए थे, हेरमेट जी आए थे, दो दिन में कैसे हम ये करते कर बोला ही ना जरा कैसे हमारा हेल्प करो हम कर बोल में 30 साल रहे सो घर 30 साल कैसा करने का नोटिस है किसी ने बगैर नोटिस के गिरा रही हो भी गिराई से बगैर नोटिस के गिराई हो दिए थे बोलते उनको नोटिस है लेकिन हम ना तो नोटिस नहीं आई नहीं आई उन्होंने बोल रहे हैं कल आया साला बोल रहे डायरेक्ट तुमना नोटिस नहीं देते निकालना तुम्हें दो दिन में कहाँ जाना हमें दो दिन में दो दिन का टाइम मांगे नहीं दे रहे।
माननीय दीवान साहब देसाई, मेरे घर के अंदर मैं इधर पैदा हुआ, मेरे बच्चे पैदा हुए, मेरा पिताजी पैदा हुआ, हमारे अब्बा पैदा हुए यहाँ, और हमारे फैमिली हमारे बाप से लेकर हमारे तक हमारे बच्चे में हमारे बच्चों के शादी में हमारे बच्चों के बच्चे आए, हमारी सात पीढ़ी यहाँ चल रही है, सात पीढ़ी सा, हम रहो गए यहाँ 74 बरस हुआ क्या, 74 बरस तक अभी तक कॉरपोरेशन ले कौन नहीं थे, अभी मेरे को इन्होंने नोटिस नहीं दिए क्या नहीं दिए, और घर सुबह में रात में आके बोले घर तुम्हारा सामान खाली करो और घर पढ़ाने वाले बोल को, बस सुबह में 9 बजे आको मेरे को घर पढ़ाने को से रुक के क्या मेरे को हरेसमेंट करे, और पूरा अभी घर हमारा ऑलरेडी पूरा घर गिरा के ये कर रहे हैं, और वापस हमारे को सामान ले तो बोले तो सामान नहीं, और कौन लोग आए वाले को अंदर भाग को पुलिस का धमकी दे रहे हैं, और यहाँ हमारे हमारे मुसलमान का 21 घर है, और मुसलमान के बारे में क्या बोलते हैं हमारे को 10 दिन का हमें टाइमिंग मिले, 10 दिन का टाइमिंग का सर भी हमारे को इन्होंने टाइमिंग नहीं दिए क्या, और हमारे रहने को से घर भी नहीं आए फिलहाल में, और हमारे बच्चे सब छोटे छोटे बच्चे हैं कि सब रोड को आगे बैठे से है, अब इसके वजह से हमारा इंसाफ चाहिए, हमारे को इंसाफ क्या है सो हमारे को कानून से मिलना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से तीसरा रेलवे गेट ओवर ब्रिज पर एहतजाज कर महज इफ्तिताह के बाद ही ब्रिज में गड्ढे गिरना, इसका मतलब किस हद तक रिश्वतखोरी की दीमक लगी हुई है, ऐसा साबिक एमएलए रमेश कुर्ची ने आज साफियों को बताया। वाजा रहे नया रेलवे ओवर ब्रिज बहस का मौजू बनता जा रहा है, इसे बतौर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जिक्र किया जा रहा है। कर्नाटक भाजपा हुकूमत को 40% कमीशन की सरकार कहते हुए आज टोकरी में नोट लिए एहतजाज किया गया। कसीर तादाद में कांग्रेस कारकुनान ने आज के एहतजाज में शिरकत फरमाई। एहतजाज इसी ब्रिज पर किया गया। ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮನೆ ಹಚ್ಚಿತಾ ಇದಾರೆ ಜನಕ್ಕೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಬ್ರಿಜ್ ರೊಕ್ಕ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಬ್ರಿಜ್ ರೊಕ್ಕ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ। आज हम कांग्रेस पक्ष से हम स्ट्राइक कर रहे हैं, स्ट्राइक करने की वजह यह है कि कुछ दिन पहले ही यह ब्रिज ओपनिंग किया गया है, और बीजेपी सरकार वालों ने आजकल कह रहे थे कि राहुल गांधी जो पाद यात्रा कर रहे हैं हमने रोड बनाया है इसलिए ये लोग रोड पे चल रहे हैं। मैं आज बोलना चाहूंगी बीजेपी वाले, हमारे कांग्रेस वालों के एक कदम से तुम्हारी रोड हिल गई तो आप लोग कितना हिलोगे, एक कदम रखने के साथ आपका ब्रिज टूट गया, और आप बोल रहे हो लोगों को लूटी करके इतना सारा पैसा लेकर घर बैठे हो, और लोगों का जो गरीब लोगों को लूट रहे हो उनका श्राप आपको कभी नहीं चुकेगा। मैं बोलना चाहूंगी आप जो लोगों को लूट रहे हैं आपके दिन खत्म हो गए, आपने कभी लोगों को अच्छा दिन लाया ही नहीं, अच्छा दिन बोल के आज बुरा बुरा दिन लाया, गरीबों को आज भूख से मर रहे, और आप विदेश आपके फंक्शन घूम रहे हैं, आज गरीबों की परिस्थिति क्या है। माणसानी एकदा चूक करतात, माणसानी त्यातही एक पक्ष एकदा चूक केल्यानंतर सुधारून घ्यायचं त्यांच्या हातात असतं, पण वरच्यावर ज्या चूक करणाऱ्या माणसाला आता काय आम्ही म्हणायचं, आम्ही असंच रजिस्ट्रेशन करायचं, त्यांनी कमिशन खात जाऊन असले हे बोगस कामगारी करून पैसे काढायचं असेल तर काय उपयोग आहे। या भारतीय जनता पार्टीनी 2019 मध्ये हे काम सुरू केलं, त्यावेळचे खासदार सुरेश अंगडीने त्यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांचे मिसेस आज जे खासदार आहेत त्यांनी आज 12 तारखेला गेल्या 12 तारखेला त्यांनी हे उद्घाटन केलं, उद्घाटन केलेल्या 24 तास 48 आज ते त्याला भेंगाई पडले सगळं झालं, एका रात्री त्यांनी मुजवले सुद्धा, पण असं करणं या बेळगावच्या लोकांच्या दृष्टीने या भागाच्या जे लोक या गाडीतनं चालणाऱ्यांचं हे जीव धोक्यात आलेला आहे हे तरी त्यांनी विचार करायला पाहिजे, जेवढं पैसे खाण्यावर ते खाल्लेलं आहे पण आज लोकांचं जीव सुद्धा घ्यायचं तयारी आहे का तुमची,
हे विचार करा. त्यासाठी मी एवढं सांगतो की या बेळगाव शहर काँग्रेसतर्फे या काँग्रेसच्या वतीनं आज आम्ही जे काम केलेलं आहे, आम्ही जे रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे, आम्ही हे मागणी करतो ह्याचं पूर्ण एन्क्वायरी व्हायला पाहिजे. केंद्र सरकारच्या आज केंद्र सरकारमध्ये पंतप्रधान बसलेले मोदी साहेबांनी सांगितलेले होते, ना खाऊंगा ना खिलाऊंगा ना देऊंगा, हे कुठे गेले त्यांचं वाक्य? देशभरामध्ये ह्या ज्या भ्रष्टाचार सुरू आहेत ह्याला कोण उत्तर देणार? हे जर उत्तर द्यायचं असेल तर हे जर उत्तर त्यांनी द्यायचं असेल तर बेळगाव शहरापासून त्यांनी सुरुवात करावी. आणि बेळगाव शहरामधलं जे काय भांडण झालेलं आहे, बरेच लोकांचं काय काय, आज जे लोकप्रतिनिधी जे जे काय करायला लागलेत त्याचा सगळा विचार करून तुम्ही आम्हाला न्याय द्या. या बेळगाव शहराच्या लोकांना न्याय द्या, शेतकऱ्यांना न्याय द्या, एससी एसटी लोकांना न्याय द्या. आणि या सर्वात जास्त या बेळगाव शहराच्या जे लोक वस्ती या भागातून इथून जे बाहेर जातात गोवा खानापूर या भागाला, त्या लोकांचा सुद्धा विचार करायला पाहिजे की असा ब्रिज बनवून, हा एकदा झाला नाही तो सुद्धा ब्रिज, आज रेल्वे स्टेशन आहे तो सुद्धा ब्रिज तेही झालेलं होतं, ते सुद्धा त्याच दृष्टीनं होतं, पण काय झालं? शुमाली कर्नाटक अंजुमन इस्लाम की जानिब से आज बेलगाम में हुबली में गोकुल रोड पर मंजूर शुदा औकाफ की जमीन पर हज हाउस की तामीर जल्द की जाए. हुबली में हज हाउस की तामीर से शुमाली कर्नाटक के हुज्जाज इकराम के लिए सहूलतें हो सकती हैं. लिहाजा पिछले कई सालों से शुमाली कर्नाटक हज कमेटी की जानिब से मांग की जा रही है. आज इसी के मद्देनजर डीसी बेलगाम को मुतालबा पेश किया गया. इस वक्त सदर हामिद कोपत, सेक्रेटरी जे एस अड़लगी, ट्रेजरर ए बी अत्तार, मुख्तार नालबंद, एम एम घी वाले, मुश्ताक फारूकी, तौफीक पठान और दिगर जिम्मेदार हजरात मौजूद रहे. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. السلام علیکم. میرا نام عبد الواحد اتار, میں نارتھ کرناٹک انجمن اسلام کا ٹریزر ہوں. اور یہ جو ہمارا آج کا دھرنا ہے, یہ دھرنا جو ہے وقف بورڈ جو ہے ہم کو جو ہے نارتھ کرناٹک کے لیے سپریٹ چاہیے. اور دوسرا جو ہمارا مدعا ہے یہ اردو یونیورسٹی جو ہے, سات یونیورسٹی جو چیف منسٹر نے کیا ہے اس میں ایک یونیورسٹی اردو یونیورسٹی ہمارے کو بیلگام, دھارواڑ یا بیجاپور اور حویری میں چاہیے. اور تیسرا جو ہے حج بھون کا جو کام ہے, سات سال سے ہم لوگ جد و جہد کر رہے حج بھون کے لیے, پھر بھی اس کو امپلیمنٹ نہیں ہوا. وہ جو ہے سینکشن ہم تو لا تو دیے وہاں پہ ہبلی میں, لیکن اس کا کام نہیں ہوا. تو اس کا جو ہے جلد سے جگہ دے کے وہ کام جو ہے اسٹارٹ کرے. السلام علیکم. میں نارتھ کرناٹک انجمن اسلام کا پریسیڈنٹ حمید کوپت, اور یہاں پر ہم لوگ جو ہے تین ڈیمانڈ لے کر یہاں پر ڈی سی اور ریجنل کمشنر کو دے رہے ہیں. ہمارے تین ڈیمانڈ بولے نے کیا ہے, اس کے اندر اردو یونیورسٹی ہمارے پر ہونا چاہیے. کیوں بولے تو ہم لوگ ایک کروڑ تیس لاکھ لوگ ہیں, ہماری ایک اردو یونیورسٹی نہیں ہے, جو کہ سنسکرت ہے, بھجن کی ہے, ہر زمانے کی یونیورسٹیز ہے. اور آلریڈی اب سات یونیورسٹی جو ہے ہمارے سی ایم صاحب جو ہے سینکشن کیے ہیں, اس کے اندر اردو یونیورسٹی بھی اگر دے دیے تو بہت ان کی مہربانی ہوتی ہے. پرم پوجا کرونامے اللہ کرپیند یوت نا شانتیوت نم دھرنوتو دھرنیا مول ادیشو ایپ اتر نمے اتر کرناٹک پرتیک واد وقف منڈلیاں ایڈنو نا حج بھون یو زمین سینکشن آگدیو ہوبلی نگر د گوکل رستے ایئرپورٹ ادرگڑے ادو کامگاری ایگ تکشن شروع آگے ایکندرے حج یاتری بہت سمسے آگتا ہے. میں مشتاق حسین فاروقی بیلگام انجمن نارتھ کرناٹک کا میں ممبر بھی ہوں اور سوشل کام کرتا ہوں. یہ کئی دنوں سے جو ہے نارتھ کرناٹک کے مسلم جو ہے اوقاف کی اوقاف کے یہاں نارتھ کرناٹک کو اوقاف ہونا بول کر ایک لڑ رہے ہیں, اور اس کی جو ہے بہت سخت ضرورت ہے, کیونکہ کرناٹک میں جتنے بھی اوقاف جائیدادیں ہیں وہ صرف نارتھ کرناٹک میں زیادہ ہیں, اور ہر آدمی کو وہاں جانا بولے تو بڑی مشکل ہے.
और ये जो है सच्चाई नहीं है कि हम इसे पुरजोर से मुतालबा करते हैं कि हमारा वर्क बॉडी पूरा काट के नॉर्थ में लाए तो चलेगा, पूरा वर्क बॉडी काट के यहाँ लाकर सेंटर में करे, उबली है, धारवाड़ है, बेलगाम है, यहाँ डिवीजन ऑफिस में करे तो भी चल जाता है, क्योंकि अब मिनी विधानसभा खाली पड़ा है, कोई काम हो रहा है नहीं, और कोई पार्लियामेंट कोई भी असेंबली सेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट इस पर तवज्जा करके और मुसलमानों का ख्याल रखते हुए मैं समझता हूँ कि वो वक्फ बोर्ड को जो है यहाँ शिफ्ट करेंगे। ये हमारी ये अंजुमन इस्लाम के तमाम मेम्बरान की जो है दरख्वास्त है, और ये मूवमेंट बहुत बड़ा होने वाला। उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में जो मुतालबा है वो इस मरतबा 7 जो यूनिवर्सिटी जो सैंक्शन हुए हैं, हम CM बसवराज बोम्मई साहब से दरख्वास्त करते हैं कि उसमें से एक उर्दू यूनिवर्सिटी के परमिशन दे दें इसमें से, और दूसरा जो हज हाउस जो हुबली में हुआ है उसके जल्द से जल्द पूरी काम की तकमील पूरी हो, और तीसरी जो हमारे जो डिमांड है जो वक्फ बोर्ड, जैसा कि हमारे एक साथी ने बताया कि वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो नॉर्थ कर्नाटक में है, जैसे कि बीजापुर है, बेलगाम है, बागलकोट है, तो इसके लिए जो सदी ज़रूरत है। इवत्तु नम कर्नाटक राज्यद घन सरकार के विनंती माडुत्तेने, नावु यावदे सरकारद विरोध अल्ल, नम हक्कद सलुवागि संविधानद प्रकार नावु ओंदु नम्म मान्य मुख्यमंत्रियोळिगे कळकळि विनंति एनंद्रे, नमगे ओंदु उर्दू यूनिवर्सिटी, ओंदु हज भवन, हागू ಒಂದು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಇದೆ.